नायक न्यूज टीम आपका स्वागत है। आप जिस तरह से आप लोग जो कार्य कर रहे हैं, आपकी टीम जो कार्य कर रही है, उसके लिए आप सब लोगों का आज यहाँ के लोगों ने आपका स्वागत किया, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं तहे दिल से अपनी पूरी टीम की तरफ से शिव दुर्गा विहार और लखनपुर के समस्त निवासियों का, अड्डोबे का और बीजेपी के जो कार्यकारिणी है, जिला कार्यकारिणी, उन्होंने किस तरह से आके हमारी हमारे काम को सराहाया और हमारा हौसला बढ़ाया, उसके लिए पूरी टीम की तरफ से मैं तहे दिल से जी। जैसे कि कोई भी पेशेंट्स अगर आपके यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे तो किस तरह के पेशेंट्स आते हैं आपके यहाँ पे, थोड़ा बताना चाहेंगे? सब तरह के पेशेंट आ रहे हैं, जैसे कोरोना महामारी फैली है तो लोगों में थोड़ा सा इसके लिए डर भी है, सर्दी खांसी आती है तो लोग हमारे पास आते हैं, कहीं कोरोना की बीमारी तो नहीं है, तो हम उनसे पूछते हैं कि कहीं आपने पिछले एक महीने में कहीं यात्रा तो नहीं की, कहीं ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं आए जिसको बाद में कोरोना हुआ है, है ना? और अगर ऐसा कुछ भी लगता है तो हम उसको बाकायदा एम्बुलेंस बुलाते हैं, उनका कोरोना टेस्ट कराते हैं, हमने कई सारे टेस्ट कराए हैं लेकिन ईश्वर की कृपा से सारे टेस्ट निगेटिव आए हैं। तो आपके यहाँ पे जो सुविधा है अभी तक टेस्टिंग वगैरह की, क्या क्या सुविधा कोई उपलब्ध है आपके यहाँ पे, या कुछ ऐसा कुछ अभी आपके यहाँ पे कोई कुछ सुविधाएं कुछ उपलब्ध वगैरह हैं आपके सुविधाएं कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं हमारे पास, जाँच वगैरह वगैरह जच्चा बच्चा मैम, जिस तरह से लोगों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, उस तरीके से जो लोग बता रहे हैं कि हॉस्पिटल में जाने के बाद में लोगों के साथ में ना डॉक्टर्स होते हैं ना नर्सेज होते हैं, तो काफ़ी वीडियो वायरल हो रहे हैं इस तरह से। मैं मेरे साथ सभी साथी जी जान से रुके हुए हैं, शायद कुछ ही लोगों में काम करना चाहिए हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने आप इवन सिविल अस्पताल में जाके साइड मेडिकल कॉलेज जो हमारे कोविड के लिए बनाया गया है वहाँ पर आप जाकर देखिए किस तरह के इवन रात के 2 बजे मरीज इसलिए 2 बजे भी मरीज अटेंड होता है, तो कोई भेदभाव वाली कोई ऐसी बात नहीं है। आपका शुभ नाम डॉक्टर साहब जी? डॉक्टर गीता भट्टाचार्य जी जी। आप कहाँ से आते हैं यहाँ पे? ग्रीन वैली फरीदाबाद से। बढ़िया, ठीक, थैंक यू। उनका स्वागत करने के लिए पूरी टीम ने उनका अभिनंदन करने के लिए उनके पास आए हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ऐसे योद्धा जो अपनी जान को हथेली पर रखकर समाज की सेवा में काम करने के लिए लगे हुए हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए आज हमारे सभी वॉलेंटियर दोस्तों की पूरी टीम का, पूरी आशा वर्कों का धन्यवाद करने के लिए आज हम पहुंचे हैं और इनका हौसला बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये अपने पूरे परिवार की जान को जोखिम में डालकर हमारी जान बचाने के लिए दिन रात सेवा में लगे हुए हैं, इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता था कि हम भी आए और इनका हौसला बढ़ाए और हौसला बढ़ाने के लिए हमने आज ही अंदर स्वागत का प्रोग्राम रखा। हम तुम्हें इनका उत्साह बढ़ाने के लिए इनके बीच में आए हैं। जिले से